कल की क्लास में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉब्लम्स ही कर रहे थे। कल जो क्वेश्चंस कराए थे वो बताइए कि आप लोगों को समझ आ गए या नहीं आ गए। आ गए समझ में? ठीक है, अभी क्वांटाइजेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और क्वेश्चंस हम इसके ऊपर करने हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो कल जो मैंने वो न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज कैलकुलेट करना सिखाया था, वो बताओ समझ आ गया कि आप लोगों को? फार्मूला याद है क्या था? क्या है फार्मूला? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू स्मॉल ई, यही है ना। अब देखो इसी फॉर्मूले को हम अनदर कंडीशंस में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपके पास में चार्ज ऑन, लिखिए चार्ज ऑन आयोनिक बॉडी, चार्ज ऑन आयोनिक बॉडी, चार्ज ऑन आयोनिक बॉडी। ठीक है, देखो कल हम बात कर रहे थे न्यूट्रल बॉडी की, अब हम बात करेंगे आयोनिक बॉडी की। जैसे क्वेश्चन नंबर वन आपके पास में बना, फाइंड पॉजिटिव चार्ज ओके इन फाइंड पॉजिटिव चार्ज इन 23 ग्राम ऑफ Na प्लस। आपको सोडियम प्लस के ऊपर ये बताना है पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि पहले हम न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहे थे, अब न्यूट्रल बॉडी की बात नहीं हो रही है। जो बॉडी आपको दे रखी है वो कैसी है? सोडियम प्लस है, ठीक है, Na प्लस है। अब सोडियम के ऊपर प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल बॉडी नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? वही पॉजिटिव चार्ज हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है। देखो Na के ऊपर प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल नहीं है। जो हम पहले पढ़ रहे थे कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, वैसा चक्कर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होगा और वो पॉजिटिव चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो किसी भी आयनिक बॉडी पर बेटा चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, जैसे हम कल यूज़ कर रहे थे, एन नॉट जैसे हम कल यूज़ कर रहे थे, साथ में आएगा स्मॉल एन इंटू ई। ये बताइए कि जो कल हमने फार्मूला पढ़ा था फॉर न्यूट्रल बॉडी और ये जो आज मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप मुझे ये बताइए। वहाँ जेड था, यहाँ स्मॉल एन है। अब जेड कहाँ को शो कर रहा था? जेड शो कर रहा था एटॉमिक नंबर को, कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके अंदर। स्मॉल एन शो करेगा कि ये एटम कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ये जो स्मॉल एन है ना, ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इसके ऊपर कितने प्लस हैं और कितने माइनस हैं। समझ में आ रही बात? जैसे Na के ऊपर कितने प्लस लगे हुए हैं? एक, तो यहाँ स्मॉल n की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। बोलिए समझ आया नहीं आया? जैसे कैल्शियम होगा, सब बताऊंगा चिंता मत करो, कैल्शियम के ऊपर दो प्लस होंगे, प्लस प्लस, तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? बस आपको वैसे ही काम करना है। अब आप मुझे बताइए चार्ज इज इक्वल टू प्लस, स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपके पास में? 23। कैपिटल m, सोडियम का कैपिटल m कितना होता है? वो भी 23 ही होता है। होता है या नहीं होता है? सोडियम के लिए एटॉमिक वेट भी 23 है। एन नॉट कितना है अपने पास में? 6 × 10 की पावर 23। स्मॉल n की वैल्यू हो गई 1 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया ये 1.6 × 10 की पावर -90। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। सो क्यू इज इक्वल टू 6 × 1.6 × 10 की पावर +23 × 10 की पावर -90। +23 और -19 कितना जाएगा? +4 कूलम। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बोलिए समझ आया नहीं आया? एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास में ये बना, फाइंड नेगेटिव चार्ज इन -35.5 gram of Cl-। ठीक है, अब आप बताइए कि Cl के ऊपर कैसा चार्ज है? माइनस। न्यूट्रल बॉडी की तो बात नहीं हो रही है,
Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल इस पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही होगा जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला है अपने पास में वो ये है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू एन नॉट इंटू स्मॉल n इंटू स्मॉल e। बोलिए समझ आया नहीं आया, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। अब बताइए स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 35.5। क्लियर, कैपिटल m Cl के लिए कैपिटल m की वैल्यू कितनी होती है, 35.5 ही होती है। एन नॉट कितना होगा हमारे पास में, 6×10³। स्मॉल n कितना होगा, कितने नेगेटिव हैं, एक, ये हो गया 1। और e की वैल्यू कितनी होगी, 1.6×10⁻¹। ठीक है, बोलो क्या कह रहे हो, कौन से वाले, नहीं नहीं नेगेटिव तो यहाँ सामने आएगा, वो तो आपको पता ही है कि सी एल माइनस है तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनली जब आप चार्ज की वैल्यू निकाल दोगे तो उसके सामने माइनस लगा देना बस। ठीक है, अब इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर बना हमारे पास में, सेम 6×1.6, चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इंटू 10⁴ कूलम, इतना चार्ज होगा हमारे पास में। बोलिए समझ आया नहीं आया, तो न्यूट्रल बॉडी पर कैसे चार्ज निकालना है और आयनिक बॉडी पर कैसे चार्ज निकालना है यहाँ से आपको पता चलेगा, जल्दी से नोट डाउन करिए। एन नॉट है एवोगैड्रो नंबर कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, 6×10⁻²³ इसकी वैल्यू होती है। ओके, श्रेया तुम्हारा स्कूल कौन सा है, मॉन्टफोर्ट, हो गया बेटा। तो अब सीधा सा रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, हम ये कहेंगे न्यूट्रल बॉडी के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, प्लस माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू स्मॉल e फॉर न्यूट्रल बॉडी, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव मौजूद होगा। और अगर किसी आयनिक बॉडी की बात होगी, आयनिक बॉडी की, तो फॉर्मूला है स्मॉल m अपॉन कैपिटल m एन नॉट इंटू स्मॉल n इंटू स्मॉल e। समझ में आ गई बात आप लोगों को, z का मतलब है एटॉमिक नंबर और यहाँ n का मतलब है कि नंबर ऑफ आयन कितने हैं उसके ऊपर। बोलिए समझ आ गई क्या बात, बनाएंगे क्वेश्चन आप लोग, लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, फाइंड द पॉजिटिव चार्ज, फाइंड द पॉजिटिव चार्ज इन 18 ग्राम ऑफ, फाइंड द पॉजिटिव चार्ज इन 18 ग्राम ऑफ बेरिलियम प्लस। ठीक है, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, आपको यहां बताना है कि इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला कौन सी बॉडी के लिए है, न्यूट्रल,
और ये कौन सा बॉडी, कौन सा फॉर्मूला किसके लिए? आयनिक बॉडी के लिए। समझ में आ रही बात? लगाइए फॉर्मूला और देखिए क्या आंसर आएगा आपके पास में। बेरिलियम के लिए कैपिटल एम की वैल्यू 9 होती है भैया, कैपिटल एम 9 होगा हमारे पास में, एटॉमिक मास 9 होने वाला है। क्या आंसर बना? देखो क्या आंसर बनेगा, सबसे पहले आप ये देखो कि बेरिलियम के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मूला होगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू एन नॉट इंटू स्मॉल n इंटू स्मॉल e, क्लियर? बस वैल्यूज पुट करनी है आपको भाई। मास हो गया 18, कैपिटल m हो गया आपके पास में 9। बोलिए क्लियर है या नहीं? एन नॉट कितना हो गया बेटा आपके पास में? 6 इंटू 10 की पावर 23। स्मॉल n बताइए कितना होगा? अनमोल बताइए स्मॉल n कितना होगा? स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? कितने आयन हैं उसके ऊपर, कितने पॉजिटिव हैं उसके ऊपर? 3 है ना, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी क्या हो जाएगी? 3। और स्मॉल e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6, 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 36, ठीक है, इंटू 1.6 भी तो है बेटा, 1.6 नहीं है, इंटू 10 की पावर 4 कूलम। इनकी मल्टीप्लाई करके तब आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। अब आपकी अप्रोच पूरी अच्छे तरीके से क्लियर है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, न्यूट्रल के लिए कौन सा लगाना है, आयनिक के लिए कौन सा लगाना है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है, हो गया ना इतना क्लियर सभी लोगों? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारे पास में ना क्या रहने वाला है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक नई बात आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले ना, जब आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, बड़े आराम से प्रॉब्लम को पढ़िए, कम से कम 10 से 15 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में लगाइए, समझिए कि क्या आप लोगों से पूछा है। एक तरफ उन वैल्यूज को लिख लीजिए जो आपको गिवन दे रखी है, और उस वैल्यू को फिर देखिए जो आपको फाइंड आउट करनी है वहां पर, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम क्या है। अ लैंप ऑपरेटिंग इन अ सर्किट हैज अ स्टेडी करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। बेटा हमें गिवन दे रखा है कि करंट पास हो रही है 2.5 एम्पियर, क्लियर, ओके। इन द फिलामेंट हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मींस कितना टाइम लगने वाला है, टाइम पूछा है, हाउ लॉन्ग का मतलब यहां टाइम से है, ठीक है। डज इट टेक फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू द लैंप, यानी अगर लैंप के अंदर से इतने एम्पियर की करंट पास हो रही है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को पास होने में कितना टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बात हो रही है 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा एवोगैड्रो नंबर से। अगर आपको 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मोल कितने हैं आपके पास में? 1, अरे है या नहीं है, और आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपसे कोई ये पूछे 1 मोल बनाना में कितने बनाना होने वाले हैं, आप क्या बताओगे? 1 मोल बनाना में कितने बनाना आपके पास में होने वाले हैं, तो आप क्या बताओगे? जितने एवोगैड्रो नंबर होंगे उतने ही बनाना आपके पास में होंगे। समझ में आ रही बात? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। अगर बात होती 2 मोल इलेक्ट्रॉन की, कितने मोल इलेक्ट्रॉन की? 2 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो 2 से हम एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई कर देते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाते। तो इस क्वेश्चन में मेन काम यही है कि कैसे मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये बताइए आपको समझ आया या नहीं आया। अनमोल समझ में आ गया, बाकी सबको समझ में आ गया कैसे निकाले मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? अरे बोलो। तो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए इतने, हमें कैलकुलेट करना है बेटा टाइम। क्या कैलकुलेट करना है? अब देखो हम एक बहुत बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, कभी 10th क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। कभी हम 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम।
अब आप देखें कि हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज को हम लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग एन ई और अपॉन में क्या हो गया टाइम। बताइए क्यू को हम एन ई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, टाइम हो जाएगा अपने पास में एन ई अपॉन आई, ये हो गई हमारे पास में टाइम की वैल्यू। अब एन बताइए हमारे पास में कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में, 6 × 10³। बोलिए है या नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में, 1.6 × 10⁻¹⁹। बेटा बात समझ में आ रही है, करंट कितनी पास हो रही है, 2.5, करंट की पास हो रही है 2.5। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकलेगा, 6 × 1.6 / 2.5। आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, करेंगे इसे सॉल्व, ये 10³ + 23 है, ये 10⁻¹⁹ है, आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 10⁴ सेकेंड। बात समझ में आ रही है, तो इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगने वाला है, जो उसने पूछा है ना हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगने वाला है, हम कहेंगे भैया इसे कैलकुलेट कर लो, इतना टाइम लगने वाला है 1 मोल इलेक्ट्रॉन को किसी भी लैंप के अंदर से पास होने में। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। भाई सबसे पहले हमने प्रॉब्लम पढ़ा तो हमें पता ये चला एक लैंप से इतनी करंट पास हो रही है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टाइम हमें बताना है हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा इतने इलेक्ट्रॉन को पास होने में। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, हमने चार्ज को लिख दिया एन ई अपॉन टाइम, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब हमें टाइम चाहिए, तो एन हमारे पास में है, ई हमारे पास में है, आई हमारे पास में है, सॉल्व करेंगे टाइम हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, पूरा सॉल्व करिएगा बेटा, पूरा आंसर आप सॉल्व करेंगे कि इतना टाइम लगने वाला है इतने मोल इलेक्ट्रॉन को पास होने में। ओके, क्लियर हो गया बेटा। इस तरीके से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे कि भाई इतना टाइम लगेगा इसे पास होने में, चेक कर लेना यही आंसर आएगा या नहीं आएगा, आंसर वहां लिखा हुआ है, मतलब रटना नहीं है, समझना है बात को। पार्थ समझ आया ना, रटना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को समझना है कि कैसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास में। देखिए नेक्स्ट हमारे पास में एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक, बोर्ड एग्जाम में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये, कुछ सवालों में हमें बोर्ड की भी बात करनी पड़ेगी कि भैया सब कुछ बैलेंस करके हमें अच्छे तरीके से चलना है। प्रॉब्लम देखिए आप क्या है, नंबर वन पॉइंट आपको दे रखा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस के एन ई, बताइए पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। और मैंने क्या बताया था आपको कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग ये जो एन है ये यहाँ क्या होगा, ये n यहाँ पर इंटीजर होगा, क्या होगा, n इंटीजर रहने वाला है। पता ये समझ आया नहीं आया,
तो पहला वाला पॉइंट तो बड़ा आसान है, हमने आराम से इसका आंसर बता दिया। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में दो तरीके से सवाल हमसे पूछा जाता है, और वो ये है कि आप ये बताइए कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल है ये कहाँ जाकर फेल हो जाता है। पहला पॉइंट तो हमसे ये पूछा जाता है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल है, भाई फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, हमने बता दिया भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है क्यू इज इक्वल टू एन ई, जहाँ एन हमेशा इंटीजर रहने वाला है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है ये किस लेवल पर जाकर फेल हो जाएगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए, जब आप इलेक्ट्रॉन के अंदर पहुंच जाते हैं, आप प्रोटॉन के अंदर पहुंच जाते हैं, आप न्यूट्रॉन के अंदर पहुंच जाते हैं, याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? क्वार्क, याद है? और उस क्वार्क लेवल पर पहुंचकर क्वांटाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। तो पहला लिमिटेशन हमारे पास में ये हो गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो लिमिटेशन है, जो ड्रॉबैक है, जो उसका फेलियर है, वो ये है कि ये प्रिंसिपल क्वार्क लेवल पर, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर और न्यूट्रॉन के अंदर पॉसिबल नहीं है, वहाँ फेल हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से हमसे कुछ ऐसे पूछा जाता है कि जब हम बहुत बड़े लेवल पर बात करते हैं, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रो का मतलब हो गया छोटा और मैक्रो का मतलब हो गया बड़ा, जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करेंगे तो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट को इग्नोर करके चलेंगे। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। हो गया मैक्रोस्कोपिक, क्या मतलब है मैक्रोस्कोपिक का? लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस, यानी बहुत बड़े लेवल पर हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करके क्यों चलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल क्या है? क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये एन क्या रहना चाहिए? इंटीजर। अब अगर मैं बहुत बड़े लेवल की बात करता हूँ, बहुत बड़े लेवल की, तो मैंने आपके सामने लिखा 201204210012001000.12, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है बेटा आपके सामने ये पूरा इंटीजर है, ये जो वैल्यूज है ये बिलियंस में है ना, बिलियंस के अंदर, बात समझ में आ रही है, और ये आपके पास में 0.12 है। तो मुझे आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी वैल्यू के सामने क्या आप 0.12 रखना चाहेंगे? 0.12, इतनी बड़ी वैल्यू के सामने बहुत छोटी वैल्यू है या नहीं है? यानी एक तरफ तो आप ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी वैल्यू है, मान लेते हैं कि भैया हमारे पास में $1 बिलियन है, $1 बिलियन, और एक तरफ हमारे पास में सिर्फ एक पैसा है, एक पैसा, एक तरफ $1 बिलियन, एक तरफ 1 पैसा, तो $1 बिलियन के सामने 1 पैसा बहुत छोटी वैल्यू है या नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, 0.12 को, यानी हम ये कहेंगे कि ये जो 0.12 है ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो इस छोटी वैल्यू को कहकर हम यहां से हटा देंगे। यानी बहुत बड़े लेवल पर आप बहुत छोटी वैल्यू को रखना नहीं चाहते हैं, आप बहुत छोटी वैल्यू को वहां से हटा देते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने 0.12 को वहां से हटा दिया तो बताओ ये क्या डेसिमल की वैल्यू रही या ये इंटीजर बन गया? अगर मैंने 0.12 को वहां से हटा दिया फिर ये डेसिमल वाली वैल्यू तो नहीं रही, फिर ये पूरी वैल्यू इंटीजर बन गई ना इंटीजर। इसीलिए हम ये कहते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट को इग्नोर करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे? बहुत छोटे लेवल पर तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है वो फेल हो जाता है, और बहुत बड़े लेवल पर वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं हमारे लिए, इसीलिए उन वैल्यूज़ को वहाँ से हटा देते हैं और पूरा नंबर हमारे सामने बन जाता है इंटीजर, जो क्वांटाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसलिए बहुत बड़े लेवल पर हम इसे इग्नोर करके चलेंगे। बताइए समझ आ गया क्या? पहला पार्ट बताइए, फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, छोटे लेवल पर क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि क्वार्क एग्जिस्ट कर जाती हैं और बड़े लेवल पर वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए डेसिमल वाली वैल्यूज़ को वहाँ से हटा देते हैं। क्लियर हो गया एनी प्रॉब्लम? अब आपको करना क्या है, अपनी कॉपी के अंदर सिर्फ ये बी वाला पार्ट आपको नोट करना है, सिर्फ बी वाला पार्ट, और ये बी वाला आंसर आपको नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर। करिए फटाफट, सिर्फ बी पार्ट आप नोट करेंगे, ए पार्ट आप नोट नहीं करेंगे।
बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? समझ आ गया? मिस्टर बी वाला, ये लिखना है आपको, आंसर लिखना है आपको उसके। क्लियर हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए अभी आप मुझे। नहीं है कोई प्रॉब्लम? छोटे लेवल पर क्यों फेल हो जाता है आपको पता है, और बड़े लेवल पर हम इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर एक दो क्वेश्चन इस तरीके के दे रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3×10⁻⁷ कूलम। देखो बेटा, ये हमारे पास में एक पॉलिथीन का पीस है। हमने पॉलिथीन के पीस को वूल के साथ रबिंग कराया। हमने पॉलिथीन के पीस को, दिस इज पॉलिथीन, ये पॉलिथीन है और ये वूल है। हमने पॉलिथीन के पीस को वूल के साथ रबिंग कराया। जब हमने इन दोनों को आपस में घिसा ऐसे, तो पॉलिथीन के ऊपर चार्ज आ गया और चार्ज की वैल्यू है इतनी। ध्यान से देखो, पॉलिथीन के ऊपर उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज आया और वो नेगेटिव चार्ज इतना है। पॉलिथीन के ऊपर −3×10⁻⁷ कूलम का चार्ज आ गया रबिंग कराने के बाद, घिसने के बाद। पॉलिथीन के ऊपर इतना चार्ज आ गया और नेगेटिव चार्ज आ गया। बताइए समझ आ रही है बात? अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से मेरी बात आप सुनिएगा। अगर पॉलिथीन के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आया है, तो दूसरी बॉडी के ऊपर बिल्कुल इतना ही पॉजिटिव चार्ज आया होगा। जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रबिंग कराते हैं, एक बॉडी पर जितना नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरी बॉडी पर बिल्कुल उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉलिथीन पर अगर इतना नेगेटिव में चार्ज आया है, तो वूल के ऊपर डेफिनेटली इतना चार्ज पॉजिटिव में आया होगा। बताइए समझ आ गई क्या बात? रबिंग कराने पर एक पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। दूसरे पर कैसा चार्ज आएगा? बिल्कुल उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, हमेशा उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। बताइए पॉजिटिव किस पर आया है बेटा? वूल पर। किस पर आया है? और नेगेटिव किस पर आया है? तो हम ये कहेंगे कि वूल से निकलकर इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन पर शिफ्ट हो। जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है, वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वूल टू पॉलिथीन। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भाई एक तो हमारा ये हो गया कि पॉलिथीन पर इतना चार्ज आया नेगेटिव, वूल के ऊपर बिल्कुल इतना ही पॉजिटिव चार्ज आया। अब जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है, वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट ये है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब यह है कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। और जिसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब यह है कि वो बॉडी कमजोर है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है, तो उसका वर्क फंक्शन कम होगा। क्या होगा? वर्क फंक्शन कम होगा। और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज किस पर आया है? वूल पर। नेगेटिव चार्ज किस पर आया है? पॉलिथीन पर। तो हम ये कहेंगे वर्क फंक्शन ऑफ वूल इज लेस देन ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ पॉलिथीन। बताइए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, वर्क फंक्शन आप समझते हैं क्या होता है? वर्क फंक्शन का मतलब यह है, बॉडी के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो वर्क फंक्शन होता है। अगर पॉलिथीन का वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि पॉलिथीन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, और वूल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी खर्च होगी।
इसीलिए वूल के अंदर से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल गया और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां से जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया अपने अंदर से। अब पहले मुझे ये बताओ कि ये तीन पॉइंट आपको क्लियर हुए या नहीं हुए। रबिंग कराने के दौरान एक बॉडी पर कैसा पॉजिटिव और एक बॉडी पर बिल्कुल उतना ही नेगेटिव। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आया है उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आ रही बात? जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका वर्क फंक्शन होता है कम, और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है उसका वर्क फंक्शन होता है ज्यादा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ओके, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास में ये बना बेटा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये बताइए कि वूल पर कितना चार्ज आया है, इतना? अरे बोलो, आया है या नहीं आया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमारे पास में फॉर्मूला क्या है बेटा? क्यू इज इक्वल टू एन ई। बोलिए है या नहीं है? एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में? क्यू अपॉन ई। सो एन इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू बताइए हमारे पास में क्या है, चार्ज की वैल्यू कितनी है? ये है 3×10⁻⁷, और इसे हम लिख सकते हैं 1/E। श्रेया बताइए 1/E की वैल्यू क्या होगी? याद है बेटा? भूल गए? 6.25×10⁸। ये 1/E की वैल्यू होती है, जहां भी 1/E आएगा आप ये वैल्यू यूज करेंगे, सीधा 1/E को हमने कैलकुलेट कर दिया। तो कितना आंसर आया बेटा हमारे पास में ये बताइए? इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे 18.75×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं? वूल टू पॉलिथीन, वूल टू पॉलिथीन। बताइए समझ आया नहीं आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने ये आया, इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने। भैया एसी बंद कर दो, नहीं तो मुझे खांसी ऐसी होती रहेगी, मुझे एसी से एलर्जी हो जाती है एकदम से। बेटा बंद कर दीजिए एसी, बस बस बस, अब आराम से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे सामने बना वो ये बना कि ये बताइए कि कौन सी बॉडी का मास हुआ है डिक्रीज और कौन सी बॉडी का मास हुआ है इंक्रीज। अब तो मुझे एक बात बताओ भाई, इसका कोई ना कोई मास रहा होगा, अगर इसके अंदर से कोई पार्टिकल बाहर निकल गया, इसके अंदर से कुछ हिस्सा बाहर निकल गया, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से बाहर निकल गए, अब इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास तो जरूर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से बाहर निकल गए तो इसका मास क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया या नहीं हो गया भाई? अगर इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से बॉडी का मास कम हो गया, और यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए, अपना मास तो इसका था ही, बाहर से इलेक्ट्रॉन और इसके पास में आ गए, इसका मतलब इसका मास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से उसका मास कम हो गया। जैसे मैं कह दूं कि भाई इस मार्कर के साथ मेरा वजन 100 किलोग्राम है, अगर मैंने इस मार्कर को अपने से अलग कर दिया तो मेरा वजन 99 किलोग्राम रह गया, मार्कर को मैंने अपने से बाहर निकाल दिया तो मार्कर के बराबर मेरा वजन कम हो गया या नहीं हो गया? तो इसी तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इसका मास क्या हो गया? डिक्रीज, और इसका मास क्या हो गया? इंक्रीज। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे पॉजिटिव चार्ज आने से मास डिक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज आने से मास क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहां का मास कम हो गया, यहां का मास बढ़ गया, इसका मतलब मास यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया या नहीं हो गया? अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चले गए तो मास यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। अब कितना मास ट्रांसफर हुआ है मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं? एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अरे बोलो भाई, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए हैं? ठीक है, कितना मास ट्रांसफर हुआ है हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने आपके सामने जस्ट अभी कैलकुलेट किए, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास, इंटू मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना मास ट्रांसफर हुआ? एन की वैल्यू है आपके पास में 18.75×10⁻¹, और एम ई की वैल्यू है आपके पास में 9×10⁻³⁻³ kg।
हम ये कहेंगे इतना मास इसका तो हो गया है कम और इतना ही मास दूसरी बॉडी का बढ़ गया है। अब बताइए पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? कितने पार्ट है क्वेश्चन के? देखो कई सारे पॉइंट हमने बना दिए इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम दो बॉडीज को रबिंग कराएंगे तो रबिंग कराने से एक पर क्या आएगा? दूसरे पर। जितना इस पर पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से इसका मास क्या हो गया है? इसका मास कम हो गया है। नेगेटिव आने का मतलब यह है कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से इसका मास बढ़ गया है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एनी, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका वर्क फंक्शन होगा कम और जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम एक और ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी बात। हो गया बेटा? ठीक है, बढ़े आगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास जो कि इतना है 9×10^-31 kg। कर लिया, समझ में आया कुछ? चलिए देखिए एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर बनाते हैं, ठीक है? मैं ऐसे ही रफली एग्जाम्पल लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखो बेटा ये ग्लास रॉड है हमारे पास में, दिस इज ग्लास रॉड, ठीक है? और ये है हमारे पास में सिल्क क्लोथ,
ठीक है, मैंने इन दोनों को रबिंग कराया आपस में, ऐसे घिसा, घिसने से सिल्क के ऊपर इतना चार्ज आ गया माइनस के 2×10⁻⁷ कूलम। दोनों को रबिंग कराने से सिल्क पर इतना चार्ज आ गया, ठीक है। चलिए श्रेया बताओ ग्लास पर कितना चार्ज आएगा? बिल्कुल इतना ही चार्ज आएगा हमारा ग्लास पर, +2×10⁻⁷ कूलम। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे अभी मुझे। अब मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, फ्रॉम विच टू विच पार्थ। देखो जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं यहां से यहां। बेटा समझ रहे हो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुए हैं। तो हम कहेंगे नंबर वन कि ग्लास रॉड पर इतना चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ग्लास टू सिल्क, ग्लास टू सिल्क। क्लियर है इतना डाउट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, मैंने उसे नाम दिया n। क्या नाम दिया? कैसे निकालूंगा n, मुझे ये बताइए। q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपके पास में? ne। बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? q अपॉन e। q की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 2×10⁻⁷, और 1 अपॉन e को हम क्या लिखेंगे? 6.25×10⁻¹। डायरेक्ट हम ऐसा इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? बताइए कितना आंसर आया आपके पास में? 12.5×10⁻¹। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं कहां से कहां? इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ग्लास रॉड टू सिल्क, ठीक है, क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि कौन सी बॉडी का मास हुआ है इंक्रीज और कौन सी बॉडी का मास हुआ है डिक्रीज। अनमोल जी बताएंगे कौन सी बॉडी का मास समझते हो, डिक्रीज कर गया है, घट गया है, बताओ। ग्लास रॉड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इस वजह से इसका मास क्या कर गया है बेटा? डिक्रीज, कम हो गया है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसका मास क्या हो गया है? इसका मास इंक्रीज हो गया है। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कितना मास शिफ्ट हुआ है बताइए, तुम बताओ लास्ट। कैसे निकालेंगे कितना मास शिफ्ट हुआ है? यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं n, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9×10⁻³। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई 9×10⁻³ से कर दें तो पता चल जाएगा कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है। बात समझ पा रहे हो? अब n कितना निकाला है आपने मुझे ये बताइए, 12.5×10⁻¹ (9×10⁻³) kg। लो बेटा इतना मास शिफ्ट हुआ है कहां से कहां? ग्लास रॉड टू सिल्क। इतना मास इस बॉडी का कम हो गया है और इतना मास सिल्क का बढ़ गया है। बताइए समझ आया नहीं आया? फाइनल आंसर मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए कौन सी बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, कौन सी बॉडी का वर्क फंक्शन कम है। पहले मुझे वर्क फंक्शन की डेफिनेशन बताइए। अब बताओ श्रेया डेफिनेशन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, और जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है हमेशा उसका वर्क फंक्शन कम होता है, और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है हमेशा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। अब बताओ पॉजिटिव किस पर आया? ग्लास पर। और नेगेटिव किस पर आया? तो आप क्या कहोगे, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताइए। वर्क फंक्शन क्या है? जैसे मार्कर है, मार्कर के अंदर से हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उसके लिए ना हमें एक एनर्जी देनी पड़ेगी मार्कर को, उसे हम कहेंगे वर्क फंक्शन। किसी भी बॉडी के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, समझ में आ रही बात, जो एनर्जी चाहिए होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वही हमारा वर्क फंक्शन कहलाता है। क्लियर? ठीक है बेटा, समझ आ गया सभी लोगों को? ओके, तो अब फाइनली सिर्फ एक क्वेश्चन आपका बचा है, एक तरीके का सवाल, ओनली वन टाइप का क्वेश्चन आपका बचा है।
बाकी सभी तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कल फ्राइडे है, आपको क्या करना है, अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट करने हैं, और रिपीट करने के बाद में आप मुझे अपनी होमवर्क कॉपी सबमिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी कल वो भी आप मुझसे डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा या जिसका आंसर नहीं बन रहा होगा वो आप मुझसे क्लियर करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए।